अब ये अकाउंट में के अंदर वाईटी स्टूडियो का ऑप्शन आता है, किसका ऑप्शन आता है, वाईटी स्टूडियो का ऑप्शन आता है। अब यहां पर ये चैनल को पूरा बोला कि चैनल को बनाए कैसे, अब देखो चैनल को बनाया कैसे जाता है, यहां से आपके चैनल बनने की शुरुआत होती है। क्या होती है दोस्तों, चैनल बनने की शुरुआत होती है और यहां से आपका चैनल का स्टार्टअप आता है। और जब तक हमारे पास आईडी नहीं होगी तो हमारा चैनल नहीं बनेगा, चैनल नहीं बनेगा तो हमारा काम नहीं होने वाला। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या बनना जरूरी है, आईडी। आईडी जब बनेगा तो आईडी के बाद उसका उपयोग होगा, उपयोग होने के बाद उसका चैनल बनेगा, चैनल के बाद आगे प्रमोट होगा, फिर उसमें से वीडियो डालेंगे। अब चलिए चैनल को बनाने से पहले हम थोड़ा सा यूट्यूब के बारे में सुन लेते हैं, यूट्यूब का ज्ञान ले लेते हैं, यानी यूट्यूब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर हमको यूट्यूब के बारे में जानकारी नहीं होगी तो ये सारे काम हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये मैंने दोस्तों आपको जीमेल अकाउंट क्रिएट करना बताया। जब आपका जीमेल अकाउंट बन जाएगा तो जीमेल अकाउंट बनने के बाद अब आप यूट्यूब में काम कर पाएंगे। किस पे काम कर पाएंगे, यूट्यूब पे। देखिए सबसे पहली बात क्या, मैं आपको YouTube के बारे में बताना चाहता हूं। YouTube हमारा एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक वीडियो कॉन्सेप्ट का प्लेटफॉर्म है। वीडियो, वीडियो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ये इसलिए बनाया गया है या इसको गूगल कंपनी ने इसलिए बना के हमको दिया हुआ है कि हम लोग अपनी जो वीडियो के माध्यम से, जो भी हमारी जो बातें होती हैं, वीडियो के माध्यम से जो भी हमारी बातें होती हैं उस बातों को हम लोग लोगों तक फैला सकते हैं। यानी अपनी बात को, अपनी विचारधारा को, अपने काम करने के तरीके को, अपने लाइफ स्टाइल को, जितने भी सारे लोग होते हैं तो सब लोग अपनी चीजों को इसके माध्यम से फैला सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं उसी तरीके से। अब इसका क्या यूज होता है, जितने भी लोग होते हैं जो लोग सोशल पे काम कर रहे हैं या अपनी एक्टिविटी हो गई या जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीचर लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, या क्रिएटर, एक्टर, न्यूज, जितने भी सारे लोग हैं सभी लोग अपनी चीजों को इसके माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप इस सब चीजों को अपने वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं तो इसके अंदर सारा ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सारा ऑप्शन दिया हुआ है, सारे फीचर दिए हुए हैं। क्या क्या फीचर है, मैं उस फीचर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जिक्र करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में। अच्छा ये चीजें सर हम आपको लिखते हैं, आप थोड़ा सा अपने कॉपी बना के रखिएगा, आप इसको नोट करिएगा ताकि आप नोट करेंगे तो दिन पर दिन सर जी सीखते जाएंगे। मैं आपको इतनी चीजें सिखा दूंगा कि सर जी इस काम को सिखाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग जैसा कोर्स बनाया जिसका 40 से 50-60 हजार रुपए फीस देते हैं और वो लोग सर सीखते हैं उसके लिए इतना पैसा खर्चा होता है। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं, मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि मेरा स्टूडेंट सीख करके अच्छी तरीके से काम कर सके। ऐसा नहीं कि सर मेरे को भी ऊपर से कोई नॉलेज नहीं कि मैं पैदा होकर मेरे पास नॉलेज आ गई हो, मैंने भी सर इस लाइन में काफी साल काम किया जो मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। दूसरी बात क्या है, मैंने भी इन सब चीजों के बारे में मैंने एक लोग हैं मैंने उनसे सीखा हुआ है ताकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं, काम करने का तरीका समझा सकूं, लाइफ स्टाइल समझा सकूं ताकि आप किस तरीके से बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए तो ये वीडियो के माध्यम से जितने भी सारे लोग होते हैं, जो सोशल वर्कर का मतलब होता है जो मार्केट में काम करते हैं, अपना ब्लॉगिंग का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, फूड वूड जितनी भी सारी चीजें होती हैं उन सब चीजों को डालते हैं, अब जितने भी एक्टर लोग होते हैं या जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, जो लोग पढ़ा रहे होते हैं, ये जितने लोग क्रिएटर होते हैं जो कई नई नई चीजों को बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, ऐसी चीजें जो होते हैं, ये एक्टर में डांसिंग वांसिंग सिंगिंग विंगिंग जो भी सारी चीजें होती हैं, न्यूज, न्यूज का मतलब होता है जो भी हमारी न्यूज चल रही है,
तो अब तो सर वो जमाना चला गया कि आदमी बैठ करके पेपर पढ़ता था, अब तो क्या काम करता, सीधे बैठ गया कहीं से चौड़े से वीडियो देखता है, अरे इसके बारे में ये हो रहा है, सब चीज जानकारी मिल रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर दिया है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग ये समझते हैं कि जितना भी यूट्यूब ये सारा सब कुछ कर रहा है तो इससे यूट्यूब का क्या फायदा है और हमारा क्या फायदा है। सबसे पहली बात क्या है, यूट्यूब ने जितना भी सारा जो कंटेंट बनाया है वो कंटेंट इसलिए बनाया हुआ है ताकि इसके माध्यम से मीडिया यानी प्रचार कर सके। क्या कर सके? प्रचार कर सके। जो काम तुम करने वाले हो, क्या करने वाले हो? तुम करने वाले हो। प्रचार करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो? किसका? अपना खुद का। उसी तरीके से यह प्रचार करता है। जब प्रचार करता है तो इसमें से कोई भी जब आप वीडियो डालते हो, कोई भी जब आप इसमें से वीडियो डालते हो तो वीडियो के माध्यम से यह आपको क्या काम करता है कि इसमें से अलग अलग तरीके के एड चलाता है। क्या चलाता है? एड चलाता है। इसमें से कुछ एड तुम्हारे स्पॉन्सर वाले होते हैं, कुछ एड तुम्हारे स्किप वाले होते हैं, कुछ एड जो होते हैं नॉन स्किप वाले होते हैं। स्पॉन्सर का मतलब होता है कि जैसे तुमने किसी से पैसा लिया और तुमने उसका प्रचार अपने चैनल पे चलाया। दूसरा चीज स्किप का मतलब होता है कि कोई ऐसा एड चल रहा है उसके अंदर स्किप का ऑप्शन आता है, स्किप का तो वो एड खत्म हो जाता है। कुछ एड ऐसा चलता है जो 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड के लिए चलता है, हटता ही नहीं वो, जब तक नहीं हटेगा जब तक तुमको दिखा नहीं देगा तब तक तुम्हारी छाती पे ऐसे खड़ा रहेगा, और जैसे तुम देख लोगे तो अपने मन से उसके अंदर स्किप का ऑप्शन हो जाएगा। 10 सेकंड का एड होता है, 5 सेकंड तक दिखाता है, 5 सेकंड में तुम्हारा मन होगा तो देख लो, नहीं तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से उसमें एड चलता है। इस एड के अंदर जब चलने के बाद, ये एड फ्री में तो चलता नहीं है, इसके लिए YouTube क्या लेता है? पैसा लेता है। क्या लेता है? YouTube पैसा लेता है। YouTube पैसा लेने का मतलब होता है जैसे YouTube ने जो भी पेमेंट लिया 100% में से, जैसे 10,000 लिया, 5,000 लिया, 2,000 लिया, 3,000 लिया, 50,000, 1,00,000, जो भी पैसा लिया, तो जितना भी पैसा लिया उस पैसे में से वो क्या काम करता है कि 55% पेमेंट, 55% पेमेंट जो होता है क्रिएटर को देता है। क्रिएटर का मतलब होता है बनाने वाले को देता है। उसके बाद इसमें से जो 45% जो पेमेंट होती है वो YouTube खुद रखता है। अब YouTube ने क्या किया, YouTube ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या किया उसने, से एक वीडियो बनाई। वीडियो किसने बनाई? तुमने वीडियो बनाई। जब तुमने उस वीडियो को बनाया तो उस वीडियो को बनाने के बाद तुमने YouTube में वीडियो को डाल दिया। जब तुमने YouTube में वीडियो को डाल दिया तो YouTube में वीडियो डालने के बाद YouTube ने क्या किया, उस वीडियो को फैला दिया। उस वीडियो को फैलाने के बाद उसको 1,000 लोग देखें, 10,000 लोग देखें, 1,00,000 देखें, 5,00,000 लोग देखें, जितने भी लोग देखेंगे, तो उस लोग को देखने के बाद उसमें से जो पैसा मिला, जो उसको एड चला, एड के माध्यम से जो पैसा मिला, उस पैसे में से 55% तुमको देगा और 45% पेमेंट खुद रखेगा। लेकिन अब इस सब चीज के ऊपर YouTube ने बोला कि ये भाई पैसा हम तुमको तब देंगे जब आप उसमें अपना एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आपने इसमें एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया तो मैं भाई आपको पैसा दूंगा, अगर एडसेंस का अकाउंट तुमने नहीं क्रिएट किया तो हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अब हम बोलेंगे कि भाई हम कोई दिक्कत नहीं, हम एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, एडसेंस को बना लेंगे। जब एडसेंस हमारा बन जाएगा तो एडसेंस बनने के बाद, क्रिएट करने के बाद तब हमको पैसा मिलेगा। लेकिन यूट्यूब जब एडसेंस में बनने के लिए पैसा हमको देगा, लेकिन यूट्यूब हमको यह भी बोलेगा, क्या बोलेगा कि तुम एडसेंस बनाने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, हमारी एलिजिबिलिटी चेक करेगा।
हमको ये चेक करेगा, जैसे आप कहीं पर भी नौकरी के लिए जाते हो और नौकरी में जाने के बाद आप ये बोलते हो कि भैया मैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर लेता हूँ, तो आप दुकान वाला पता क्या कहेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप एक दो दिन आओ और जो मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन को ठीक करो, मोबाइल फोन को बनाओ, जब मोबाइल फोन तुम्हारे कुछ मोबाइल फोन बन जाएंगे तो बनने के बाद मैं तुमको आधा पैसा दूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारी सैलरी डिसाइड करूंगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वो तुमको देखना चाहता है कि जो तुम काम कर रहे हो उस काम के लिए एलिजिबल हो कि नहीं एलिजिबल हो, या तो फिर भाई वैकेंसी है कि भाई नौकरी है या काम करो, 7-8 हजार रुपए, 10 हजार, 25 हजार, 40 हजार की नौकरी है, आप कल से काम पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो काम वो काम करो। लेकिन सर जी अगर आप कहीं भी जाओगे तो अगर आपको जॉब पे भी रखेगा तो कोई ऐसा तो आदमी नहीं कि आओ जी चलो काम पे लग जाओ, सबसे पहले तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू लेने के बाद कहां तक पढ़े लिखे हो, क्या काम करते हो, कितने साल से काम कर रहे हो, जब आप काम कर लेते हो तो फिर आपसे पूछेगा अच्छा ये बताओ कि मोबाइल फोन में से डेड हो जाता है तो कैसे बनाओगे, मोबाइल फोन में काम्बो खराब हो जाता है तो कैसे डालोगे, अगर डिस्प्ले में लाइट नहीं आएंगी तो उसको कैसे रिपेयर करोगे। इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन करता है, आप उसके क्वेश्चन का जब सेटिस्फेक्शन के साथ में जवाब देते हो तो कहता हाँ भाई तुम एलिजिबल हो कल से काम पे आ जाओ। उसी तरीके से यूट्यूब भी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है। एलिजिबिलिटी चेक करने का मतलब होता है इसके लिए आपको टाइम देता है, क्या देता है, जाओ मैंने तुमको 1 साल का टाइम दिया, 1 ईयर, 1 साल का टाइम दे दिया। 1 साल के टाइम देने के बाद तुमको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो यह करना पड़ेगा कि तुमको 1000 सब्सक्राइबर लाने हैं। क्या लाने हैं? 1000 सब्सक्राइबर। 1000 सब्सक्राइबर का मतलब होता है तुम ऐसा काम करके दिखाओ जिससे तुमको 1000 लोग देख करके खुश हो जाएं और तुमको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइबर का मतलब होता है आप किसी चीज को सब्सक्राइब जिंदगी में यूट्यूब में तभी करते हैं या किसी चीज के फॉलोवर्स तभी बनते हैं जब आप उससे संतुष्ट होते हैं। क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। ये संतुष्ट होते हैं कि भैया जो चीज तुमने बताई वो चीज सही है, मुझे समझ में आ गई है, या आपकी बताई हुई बात मुझे अच्छी लग रही है, हम इसके माध्यम से काम कर रहे हैं, या आपके पास कोई कस्टमर आएगा और कस्टमर बोलेगा कि जो तुमने मोबाइल फोन ठीक करके दिया था अब वो मोबाइल फोन बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है यार, तो वो तुम्हारे को जवाब उसने दिया, तुमको संतुष्टि वाला जवाब दिया। तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन आया, मोबाइल फोन के बाद कस्टमर कहता है हमको ये मोबाइल फोन का कवर चाहिए, ऐसा टेम्पर चाहिए, और आसपास दुकानों में नहीं मिलता, तुम ला के दे देते हो, उसका एक टेस्टिमोनियल वीडियो बना लेते हो, तो आपको ये देना चाहता है कि नहीं भैया ने हमको ये चीज ला के दे दिया, हमको कहीं नहीं मिल रहा था, हम परेशान हो रहे थे, हमारा मोबाइल फोन डेड था, इस मोबाइल फोन में पावर आईसी की वजह से फोन खराब था, लेकिन इन्होंने भाई साहब ने हमारे मोबाइल फोन को बना दिया और बाकी मोबाइल फोन कहीं नहीं बन पा रहा था, जब इन्होंने बना दिया तो जाहिर सी बात है आपके लिए अच्छा बोलेगा। अच्छा बोलने का मतलब उसी चीज को इस यूट्यूब की भाषा में बोलते हैं सब्सक्राइबर। यूट्यूब क्या कहता है कि आप हमको 1000 सब्सक्राइबर जोड़ के दिखाओ। अच्छा 1000 सब्सक्राइबर आप जोड़ लोगे, मैंने बात मान लिया, लेकिन आपको एक काम ये भी करना पड़ेगा, आपको 4000 घंटे वॉच टाइम का मतलब होता है आप कुछ ऐसा क्रिएट करो जिस क्रिएट करने के बाद लोग आपको 4000 घंटे तक देखें। क्या देखें? 4000 घंटे। ये सिर्फ 4000 घंटे कोई मायने नहीं रखता, वीडियो में डालते हैं 4000 घंटे एक दिन में लोग देख डालते हैं, लेकिन 4000 घंटे देखने का मतलब पता क्या है? लोग ये देखना चाहते हैं कि 4000 घंटे जब देखेंगे तो YouTube तुमको बोलेगा भाई तुम पक्के आदमी हो। पक्के आदमी हो किस बात के? पक्के आदमी हो काम पे आने के। काम पे आने का मतलब पैसा लेना। क्या लेना? पैसा लेना। YouTube तुमको कब पैसा देगा? जब तुम ये एलिजिबिलिटी को पूरा कर लोगे। लेकिन अब इस समय पर देखा जाए तो गाइडलाइन में बदलाव हो गया है। गाइडलाइन में बदलाव होने का मतलब क्या है? YouTube ने अपने सब्सक्राइबर भी घटा दिए हैं, जैसे 1000 थे उसने 500 कर दिए हैं, प्लस वॉच टाइम जो 4000 घंटे का था उस 4000 वॉच टाइम को भी उसने से अपना घटा दिया है। इसलिए घटा दिया है ताकि जितने सारे जो नए नए क्रिएटर हैं वो नए नए क्रिएटर इसमें से काम कर सके। क्योंकि इतना बात आप भी समझते हो, आप भी काम करते हो, कि जब आदमी एक ऐसा होता है जो 30,000-40,000 की नौकरी कर रहा होता है, अब वो जब बहुत दिन काम करते करते हो जाता है थोड़ा सा लद्दर टाइप में हो जाता है, लीची हो जाता है। लेकिन एक आदमी वही होता है जो नया नया काम पे आता है, उसको थोड़ा सा पैसा भी कम मिलता है, 12,000-15,000 मिलता है, लेकिन फिर भी जोश के साथ में काम करता है,
क्यों जोश के साथ में काम करता है? क्योंकि कम में ज्यादा से जोश से काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि न्यू क्रिएटर है। इस न्यू क्रिएटर को YouTube ने अपने आप आकर्षित करने के लिए उसके लिए गाइडलाइन में थोड़ा सा लचीलापन दिखाया है, जिससे क्या है कि वो भी एडसेंस के लिए एलिजिबल हो जाए। वो ये एलिजिबल हो जाए कि एडसेंस में जाकर के वो भी जुड़ जाए, ताकि जो वीडियो डाले उस वीडियो के माध्यम से उसकी भी अर्निंग हो। अब देखिए, ये मेरा सर आपको समझाने का क्या मतलब है कि मैंने YouTube के ऊपर मैंने पूरा आपको समझाया कि YouTube में क्या है, हम लोग वीडियो डालते हैं, कौन कौन से लोग वीडियो डालते हैं, हम सभी लोग वीडियो डालते हैं, सोशल मीडिया के जितने सारे बंदे होते हैं वो लोग वीडियो डालते हैं, अपनी ट्रेनिंग की वीडियो डालते हैं, एक्टर लोग डालते हैं, क्रिएटर डालते हैं, न्यूज लोग डालते हैं, मीडिया मीडिया का यूट्यूब ने इसलिए बनाया ताकि हम लोग इसके माध्यम से मीडिया का अपना प्रचार प्रसार कर सके। लोग वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो के बीच में हम लोग अपना प्रचार दिखाएंगे, लोगों का प्रचार हिट होगा, हमारा वीडियो हिट होगा, उसके बदले उसमें से YouTube भी अपने पास पैसा रखेगा, हमको भी कुछ पैसा देगा। अब उसमें से YouTube ये पैसा तभी देगा जब आपका एडसेंस अकाउंट बन जाएगा। एडसेंस अकाउंट बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, आपके लिए एक साल का टाइम देता है और ये भी बोलता है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लो, 4000 वॉच टाइम पूरा कर लो। जब इतना पूरा कर ले जाओगे तो आप भाई एडसेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जब आप एडसेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो गूगल क्या बोलेगा, तुमको एक फॉर्म देगा, यह फॉर्म तुमको फिल करना है। जैसे तुम फॉर्म फिल कर दोगे तो फॉर्म फिल करने के बाद इस फॉर्म में गूगल अपना एडसेंस का एक तुमको कोड भेजेगा, 5 अंक 6 अंक का एक कोड भेजेगा। जैसे अभी गूगल ने हमको कोड दिया ना, उसी तरीके से गूगल क्या देगा, आपको एक कोड भेजेगा। यह गूगल आपको कोड इसलिए भेजेगा, जैसे आप इस कोड को इसमें से डालेंगे तो कोड में डालने के बाद फट से आप वेरीफाई हो जाएंगे और आपका एडसेंस अकाउंट जो है ये एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही एडसेंस अकाउंट एक्टिव हो गया तो उसमें से भैया क्या बन जाएगा, डॉलर, और डॉलर का मतलब पैसा। तो ये सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे। अच्छा देखिए, ये चलो पैसा एक साइड की बात रहती है कि चलिए सर आप मुझे पैसे के लिए बता रहे हैं, पैसा एक साइड बात होती है, लेकिन यहां पर सर जी हमको तीन बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। पहली बात क्या होता है कि हम लोग वीडियो को कंटेंट के डालने के चक्कर में अपनी चीजों को अच्छी तरीके से डाल पाते हैं। दूसरी बात क्या होता है, लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे पास लोग काम करने के लिए, काम कराने के लिए, सीखने के लिए, इन सभी कामों के लिए हमारे पास आते हैं, आपके पास आएंगे लोग। तीसरी चीज क्या है, जब आप नई नई चीजों को सीखते रहेंगे, नई नई चीजों के बारे में जानकारी लेते रहेंगे, तभी तो दोस्त आगे बढ़ पाएंगे। अगर जानकारी नहीं लोगे तो उसी तालाब में कुएं में मेंढक की तरह रहो, वहीं छप 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 वहीं उलझते रहोगे, आगे कुछ काम नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ने के लिए, आगे ग्रोथ करने के लिए, आगे अपने आप को बूस्टअप करने के लिए इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। किन चीजों का बहुत होना जरूरी है, इन सब चीजों को। तो ये सब चीजें जब करेंगे और इन सब चीजों को क्रिएट करने के लिए हमारे पास, आज मैंने आपको आईडी क्रिएट करना बताया, मैंने सोशल के बारे में आपको समझाया और इतनी सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगा और YouTube के बारे में आपको काफी जानकारी मिलेगी और YouTube कैसे काम करता है, YouTube का मोटिव क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को यहीं से स्टॉप करता हूं और मैं आपको फिर आपको आगे के पार्ट में आपको बताऊंगा कि इसके आगे के टॉपिक के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि अपना YouTube में अकाउंट कैसे क्रिएट करें, अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे और कैसी इस चीज को यूज कर पाएंगे। दोस्तों, ये मैं आपको इसीलिए सिखाना चाहता हूं ताकि मैं नहीं चाहता कि हमारा स्टूडेंट फेल हो जाए, हमारा स्टूडेंट सफलता से आगे बढ़े और सक्सेसफुल तरीके से काम कर सके। क्यों? क्योंकि हमारा फेल होने के दो ही रीजन होते हैं, या तो हमको काम नहीं आता या काम बहुत आता है लेकिन हम मेंढक बने हुए। मेंढक का मतलब होता है तालाब में घुसे हुए, वहीं छप 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 कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमको बिल्कुल चीते की तरह दौड़ना पड़ेगा। जैसे मोदी जी चीता नहीं लाए थे, मोदी जी की मैं आपको कहानी बताता हूँ, बहुत कलाकारी करी थी उन्होंने, 5-6 चीते लाए थे, 5-6 चीते में से 1-2 चीते थे, बाकी सब चीती थी। उसके बाद और अपने चीते पैदा कर लिए, उनके चीते वहीं छोड़ आए, चीते के चीते भी हो गए, बाकी चीते वापस हो गए।
चलिए ठीक है, वो कहानी है। तो आप लोगों को मैंने समझाया, ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, वीडियो में आपको कुछ सीखने को नहीं मिला, सीखने को मिला कि नहीं मिला, और ऐसी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम आपको नई नई वीडियो लाते रहते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को अच्छी अच्छी जानकारी दे सकें, सिखा सकें। अच्छा, ये सारी चीजें सीख लेंगे तो इसमें सर आपका कोई नुकसान नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन का पूरा काम करें, पूरी दुकान में काम करें, जितनी देर में आप किसी दूसरे का वीडियो देखते हैं या दुनिया जहान के अंदर बहुत सारी चीजों का टाइम पास वीडियो देखते हैं, इतनी देर में अगर आप ये क्रिएटिव वीडियो है, एक्टिविटी की वीडियो देखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों के बारे में सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। जब सीखेंगे तभी दोस्त आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमको नीचे मैसेज करें, कॉल करें, अगर किसी भी चीज से संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अभी सर हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है, जितने भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग के जो स्टूडेंट लोग हैं, जिन लोगों को आना है, तो सर जी जो नया बैच बन रहा है, नया बैच चालू होने वाला है 15 से 20 तारीख के बीच में, आप सभी लोग आ जाएं, लेट ना करें, और जो आना ही है तो फिर आप उस अगर लेट करेंगे तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी, और हमको भी दिक्कत आएगी कि बीच में आओगे तो फिर लफड़ा होगा, तो ऐसा बीच में आने का कोई लफड़ा मत करो, इसलिए क्या टाइम से आओ, पहले आओ पहले पाओ, ये सब चीजें अपना लगातार करते रहो, सीखते रहो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।